मोदी से ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता के पास अब सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस इस मामले को जनता के बीच बनाने की कोशिश में जुट गई है। राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता खत्म को लेकर कांग्रेस अब सहानुभूति कार्ड खेलने जा रही है। कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में 12 जुलाई को एकजुटता दिखाने जा रही है। कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अपने लिए सहानुभूति कार्ड के तौर पर उपयोग करना चाहती है। बता दें, राजस्थान में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता 12 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक जयपुर के शहीद स्मारक पर एक दिन का मौन सत्याग्रह करेगी। खैर, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति अडानी के संबंधों में कई सवाल विभिन्न मंचों पर पूछे थे। अब कांग्रेस का आरोप है कि उससे बौखलाकर बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रचकर देशपूर्ण कार्रवाई करते हुए संसद की सदस्यता रद्द करवा दी गई। वहीं कांग्रेस पार्टी ने कहा कि गुजरात हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच द्वारा अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग करने वाली राहुल गांधी की याचिका को खारिज करने का आदेश निराशाजनक था, लेकिन अप्रत्याशित निर्णय नहीं था। पार्टी ने कहा कि वो अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।